गांव में मैं मौजूद हूं। बरसात को देखते हुए चितबड़ा गांव नगर पंचायत के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने क्या नालों पे सफाई, नाली और नालों पे सफाई पे क्या विशेष योजना बनाई है? वैसे सरकार की स्पष्ट मंशा है कि मानसून से पहले नालों की सफाई प्राथमिकता के आधार पे हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर नालों की सफाई नहीं होगी तो बरसात का पानी नालों से नालियों से होकर कैसे जाएगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोगों के घरों में पानी घुसेगा, कीटाणु पैदा होंगे, बीमारियां फैलेंगे। इसको लेकर शासन ने साफ शब्दों में निकायों को एक आदेश जारी किया है कि मानसून के पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए, यदि नहीं होगा तो कार्रवाई तय है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ ये अमरजीत सिंह अध्यक्ष नगर पंचायत चितबड़ा गाँव। बात होगी कि जो वार्ड हैं नगर पंचायत के अंतर्गत, उन वार्डों में किस तरह से सफाई का कार्य चल रहा है। तो मैं इस वक्त नगर पंचायत चितबड़ा गांव के अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी के पास मौजूद हूं। आइए बात करते हैं अध्यक्ष जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। शासन की मंशा है कि मानसून के पहले नालों की साफ सफाई प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए, क्या एजेंसी द्वारा हो रहा है या फिर कैसी व्यवस्था की? देखिए, नालों की सफाई जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी और अस्थाई कर्मचारी संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही कराया जा रहा है, ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है। और रोज़ करीब हमें लगता है एक महीने पहले से ही हम लोगों ने नाले की सफाई की व्यवस्था शुरू करा दी थी, जो अब करीब करीब समाप्ति की ओर है। चितबड़ा गांव नगर पंचायत में कितने वार्ड हैं? 15 जी। 15 वार्डों में देखा जाए तो कई ऐसे धार्मिक जगह भी हैं, सावन भी आ रहे हैं सामने, अगस्त में सावन भी आ जाएंगे, मानसून तो दस्तक दे चुका है, तो बीमारियों को रोकने रोकथाम के लिए और कीटनाशक दवाओं के लिए मच्छर पे फागिंग चलना है, उसमें कुछ योजना बनाए हैं क्या? जी, छिड़काव के भी हम लोग यहाँ से संचारी रोग के लिए शासन के द्वारा दिशा निर्देश आया हुआ है, 1 जुलाई से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, और उससे पहले भी हमारे यहाँ विशेषकर हमारे नगर पंचायत में कीटनाशक मच्छरों को मारने के लिए फागिंग और नालियों में जो जल छिड़काव की व्यवस्था होती है वो लगातार जारी रहती है, अनवरत चलती रहती है, सामान्य व्यवस्था हमारे निकाय में ये हमेशा चलती रहती है। अच्छा, नगर पंचायत की जनता कहती है कि अमरजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से बिलान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, सरकार में हैं, व्यवस्था में हैं, तो अन्य जो चेयरमैन रहे इसके पहले, आपके पहले, क्या उससे अलग करने का कुछ योजना बनाया आपने? देखिए, वो योजनाएँ बहुत सारी बनी है, अब धीरे धीरे धरातल पर उनका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है, और ज़्यादा नहीं 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको धरातल पर दिखेगी, और जो समस्याएं थी जो पहले का चितबड़ा गांव था और अब का है उसमें बदलाव आपको जरूर दिखेगा। अलग क्या कर रहे हैं? अलग जैसे बेसिक चीज़ें, तार हमारा बिजली का तार था, हम लोगों ने जो चुनावी वादा किया था, सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हम लोगों ने करा दी, 250 से 400 हो गए, 63 वाले 100 हो गए, बिजली के तार बदले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी नगर पंचायत की, अलग फीडर की मांग थी कि नगर पंचायत के लिए जो टाउन फीडर है और ग्रामीण जो जुड़ा हुआ था उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और अलग से टाउन फीडर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जो चितबड़ा गांव के लिए बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, और जिसके लिए यहाँ की जनता, व्यापारी, सारे लोग बहुत दिनों से जो परेशान थे उस समस्या का समाधान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे आपके सबके प्रयास से हुआ है। क्या पेयजल को लेकर क्या किया है नगर पंचायत ने? पेयजल के लिए हम लोगों ने आर ओ लगाने का प्रावधान किया है, टेंडर प्रक्रिया में है, बस जो पूरा होगा प्रमुख नगर के जितने प्रमुख स्थल हैं वहाँ आर ओ लगाए जाएंगे, और पहले से जो आर ओ लगे हुए थे जो ख़राब थे वो सारे आर ओ चालू हालत में है, आज हर जगह प्रमुख स्थानों पे पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो रही है। अच्छा, कुछ ऐसे भी वार्ड होंगे जहाँ पुरानी समस्या बहुत गंभीर रही होगी, तो उन वार्डों के लिए क्या प्लान बना? जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 5 आप आएंगे तो उसमें आज तक पाइपलाइन नहीं गई है मोटे तौर पर, तो ऐसे वार्ड नगर में हम लोगों ने ऐसे वार्डों को और ऐसी जगहों का चिन्हांकन किया है कि आज तक जहाँ पेयजल के पाइप ही नहीं गए हुए हैं, पाइपलाइन नहीं गई है, उनका प्राकलन बनाकर जो ज़रूरत है तो शासन को भेजा जा रहा है, और छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उनको अपने स्तर से वहाँ पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, और उस कार्य को अपने स्तर से नगर निकाय के स्तर से कराने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आपके नगर पंचायत क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्टॉपेज हैं जहाँ लोग बसों का इंतजार करते हैं, गाड़ियों का, उसके लिए भी सीट व्यवस्था टिन शेड वगैरह किया क्या बैठने के लिए यात्रियों को? हाँ, बोर्ड द्वारा इसको स्वीकृति दिया जा चुका है,
और चूँकि आचार संहिता लगी हुई थी, निविदा उसकी नहीं हो पाई है, उसके लिए भी हम लोग यात्री को बैठने के लिए उस इसका निर्माण कराएंगे। कुछ और भी समस्या है, जैसे कहीं ऐसे भी हैं जहां पानी की निकासी नहीं है वार्डों में, उसके लिए भी कोई प्लान? कुछ जल निकासी में नाले स्वीकृत हुए हमारे यहाँ, उसके DPR शासन को भेजे गए हैं, चुनाव को जैसे चीज़ें रुकी हुई थी, अब चीज़ें धारातल पर आएंगी और जल निकासी की जो भी समस्या हो उसको समाधान किया जाएगा। अच्छा, मास्टर प्लान के तहत क्या योजना बनाया आपने? जैसे आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि मान्यवर निकासीराम आवास जो एक काफ़ी संख्या में है, वो हमेशा वहाँ से मुद्दा उठता है कि रख रखाव मेंटेनेंस क्या नगर पालिका के दायरे में तो फिलहाल है नहीं, लेकिन साफ़ सफाई क्या होती है? साफ़ सफाई नगर पंचायत द्वारा कराया जाता है और उसके लिए वहाँ भी कर्मचारी नियुक्त भी हैं, पेयजल के लिए ट्यूबवेल बना हुआ है, उससे भी पर्याप्त मात्रा में जल की सप्लाई दी जाती है और नगर पंचायत स्तर पर जितनी भी चीज़ें हो सकती है साफ़ सफाई या मेंटेनेंस का छोटे स्तर की जो चीज़ें हैं उसको नगर पंचायत द्वारा कराया जाता है और उसके लिए प्रयास किया जाता है। 15 वार्डों के मेंबरों को लेकर क्या ट्यूनिंग है, क्या चल रहा है? सभी सभासद विकास में सहयोग कर रहे हैं, विकास में कोई समस्या नहीं है, नगर पंचायत की जनता के हित के लिए सभासद हम हमारे शासी अधिकारी महोदय और जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं और ये सार्थक प्रयास आज नहीं तो कल आपको धरातल पर दिखेगा। एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, देख लीजिए काट दीजिए, आखिरी सवाल है चेयरमैन साहब कि चुनाव में बहुत सारे वादे होंगे, एक कोई वादा हो जो आप बहुत जल्द करने जा रहे हैं? सारे वादे पूरे होंगे और एक नहीं, जो जो हम लोगों ने जनता से कहा है उन सारे वादों को हम जल्द पूरा करेंगे और उस सारे वादे धरातल पर दिखेंगे आपको। दूसरा सवाल है कि